नमस्कार, स्वागत है आपका इनबीसीएन न्यूज पर। प्राइम टाइम में आप है हमारे साथ में, मैं हूं रत्नाकर, मेरे साथ में है इमरान। जी हाँ, नमस्कार। और बहुत ही एक गंभीर मुद्दे पर पूरा देश, पूरा विश्व इस वक्त जूझ रहा है, और वो मुद्दा है कोरोना का। जी हाँ, कोरोना वायरस के चपेट में पूरा देश आ गया है। 5,000 के करीब उसकी मरीज बढ़ गए और 100 भी 100 का आंकड़ा पार कर लिया है मृतक की संख्या में। और महाराष्ट्र के लिए एक और चिंताजनक बात यह है कि लगभग 1,000 के लगभग ये आंकड़ा जो है पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो 900 का आंकड़ा जो है पार कर लिया और डेथ रेशियो जो है 52 मरीज जो है कोरोना के वो इस वक्त मौत के आधीन हो चुके हैं। जी हाँ, मुंबई में एक बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर बढ़ गया है। मुंबई में जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, आपने पिछली बार देखा कि धारावी में जब से एक मरीज मिला था तो पूरी हंगामा मच गया था। अभी अब 7 से ज्यादा हो गए हैं, हो चुके हैं। और आज की बात बता दें आपको, मुंबई की थोड़ी अपडेट दे दूं मैं। मुंबई में कई इलाकों को अच्छी तरह से सैनिटाइजर करवाया जा रहा है। एक मातृश्री किए गए हैं। हाँ जी हाँ, जहाँ मातृश्री का कहा जाए कि शिवसेना भवन जहाँ पे है जी, जहाँ पर मुख्यमंत्री का निवास स्थान है जी, कला भवन चौक बोलते हैं, उसे भी पूरी तरह से सील कराया गया है, क्योंकि वहाँ का एक चाय वाला जो है वो कोरोना से पॉजिटिव पाया गया है। और ये भी कहा जाता था कि उनके जो अंगरक्षक जो है, जो उनका जो स्टाफ है, वो अक्सर उस इलाके में घुमा करता था, वहां पे भी बदलाव बिल्कुल लेके आया। और जो मुख्यमंत्री के जो अंगरक्षक और उनकी जो टीम है, उस टीम में भी बदलाव के आसार की घोषणा कुछ देर पहले की थी, और जो स्टाफ में थे उन लोगों को भी क्वारंटाइन किया गया है। जी हाँ बिल्कुल। और अभी आते हैं अपन नागपुर की ओर। नागपुर के लिए सोमवार का दिन बेहद ही कुछ अलग किस्म का रहा। 2 पॉजिटिव वहां मिले, एक पॉजिटिव जो था मृत होने के बाद पता चला कि जी हाँ, ये बहुत ही नागपुर वासियों के लिए चिंताजनक बात है कि नागपुर में एक ही दिन में 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें से एक मृत्यु हो गई है। जी हाँ, और एक की बात कही जाए तो वो इंडोनेशिया से वापस आया था, इंडोनेशिया से दिल्ली और दिल्ली से नागपुर में 22 तारीख से क्वारंटाइन किया गया था एमएलए हॉस्टल में। जी हाँ, और जी हाँ, शायद और ये व्यक्ति जो है ये चंद्रपुर से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, लेकिन नागपुर में जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, उन व्यक्ति का बारे में बताया जा रहा है कि उनकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं थी। जी हाँ बिल्कुल, ये थोड़ी सी ना ही कोई वो कहीं बाहर गए थे, ना ही उनके नजदीक में कोई इधर उधर किसी और बीमारी के चलते उन्हें जब एडमिट किया गया था, और उनकी जो सिम्टोम्स पाए गए थे, उस सिम्टोम्स के आधार पर जब उनका चेकिंग किया गया, उनके सैंपल्स लिए गए, तो वो सैंपल्स पॉजिटिव निकले। एक बार नहीं, दोबारा फिर जांच की गई तो वो सैंपल पॉजिटिव निकले, और स्थिति यह है कि वो व्यक्ति जो है कोरोना ग्रस्त थे और उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये अलार्म है, ये सिचुएशन बताती है कि हमें कितना और ज़्यादा केयर खुद का करना पड़ेगा। नागपुर अभी भी अब इससे अछूता नहीं रहा है। जी बिल्कुल, और मनपा प्रशासन ने और जिलाधिकारी प्रशासन ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए सतरंजीपुरा जोन पूरी तरह से सील किया था। हम आपको बता दें दर्शकों को कि हमारी टीम ने सतरंजीपुरा का दौरा किया था, वहाँ की स्थिति का जायजा लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो पूरा एरिया जो है पूरा इमरान सील किया हुआ था। अच्छा चाक चौबंद वहाँ पर पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त था, और कोई भी ऐसी वहाँ पर कोई हलचल ऐसी हमको दिखाई नहीं दी। हालांकि हम लोगों ने वहाँ पर कोशिश की थी लोगों से बातचीत करने की, लोगों से तो खैर कोई बातचीत हो नहीं पाई। पुलिस प्रशासन चाक चौबंद वहाँ पर दिखा जरूर था, वहाँ से हम लोगों ने मेयो का दौरा भी किया, तो सारी यंत्रणा जो है अपने आप में बहुत अच्छी तरह से चुस्त काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं खेदजनक बात यह है कि लोग जो है नागपुर में आज भी बेवजह रास्तों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय हो सकता है। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले केंद्र की एक कैबिनेट बैठक भी थी, जिसमें ये विचार हो रहा था कि सभी राज्यों के जो गुप्त सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाना ही उचित होगा। देखिए क्या है इमरान, कि हालांकि अगर जब से लॉकडाउन घोषित किया गया था, एक अच्छे वर्ग का मतलब एक मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल ने इसको कोऑपरेट किया जी, और कहीं ना कहीं एक लॉकडाउन का असर दिखने को भी मिला। कि आज आप अगर पूरे विश्व की बात करें, पूरे उन देशों की बात करें जिन देशों में कोरोना का फैलाव जो है उस प्रोपोर्शन में बढ़ा हुआ है, भारत में आंकड़े जरूर बढ़े हैं लेकिन प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें बाकी देशों की तुलना में, भारत के आंकड़े अभी भी इतने नहीं बढ़े। लेकिन अगर लोगों का इसमें कोऑपरेशन नहीं रहा, लोग आज भी अगर बेवजह रास्तों पर घूमते नजर आए, तो ये आंकड़े रैपिडली बढ़ सकते हैं, या आंकड़े मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जब ये आंकड़े बढ़ेंगे तो इसका असर हम सब पर पड़ सकता है। जी हाँ बिल्कुल, आंकड़े जरूर नहीं बढ़े हैं,
मगर उसके ऊपर पीछे का दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि टेस्टिंग भी उतनी बड़ी पैमाने में हुई नहीं। ये बात, ये भी एक हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि जिस पैरामीटर पे, जिस स्पीड से जो है वो यंत्रणा लगी हुई है, उस स्पीड से सैंपल्स की टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, और जिस दिन ये आंकड़े अचानक से, हो सकता है कल का दिन या थोड़ी देर बाद क्या स्थिति होगी, हम इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। प्रेडिक्शन अगर हम इस चीज़ का कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करने का जो सिस्टम हमारे हाथ में, रिमोट हमारे हाथ में, वो ये है कि हम अपने आप को क्वारंटाइन रखें, होम क्वारंटाइन रखें, अपने आप को आइसोलेट रखें। ये आज की घड़ी में हमारा समाज के प्रति, देश के प्रति और विश्व के प्रति एक अच्छा योगदान हो सकता है। इवन अपने परिवार के प्रति भी अगर मैं बात कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ बिल्कुल, इनबीसीएन के माध्यम से हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आप घर पे रहिए, घर पे बैठे बैठे हम सब आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको पूरे शहर की बोलो, राज्य की बोलो, हर अपडेट्स हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं। और बीसीएन न्यूज एक नया कॉन्टेस्ट भी ला रहा है आपके दर्शकों जी बिल्कुल, ये हमारे दर्शकों के साथ में साझा करना चाहेंगे। आप अपने परिवार के साथ में बैठिए, खुद टाइम पास कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप कर सकते हैं, कुछ गेम्स खेलिए, कुछ यूनिक चीज़ें कीजिए, और आपके बनाए हुए वीडियो जो है आप हमारे साथ में शेयर कीजिए, और हम ये आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो जो है वो पूरे हमारे चैनल के माध्यम से सभी को दिखाएंगे। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि मैं अभी जो नंबर बोल रहा हूं वो आप कृपया नोट डाउन करें, ये नंबर जो है आपके स्क्रीन पर भी आ जाएगा, नंबर कृपया नोट कर ले, 9130005662। नंबर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 9130005662। मजा कीजिए, आपके जो वीडियो है, बच्चे हैं आपके घर में, बड़े बूढ़े सब है, एक परिवार का एक समय मिला है, उस परिवार के समय के साथ में एक अच्छा समय व्यतीत कीजिए। आपकी ये जिम्मेदारी भी है कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, और आपकी जो चुलबुली सी हरकतें हैं उन चुलबुली सी हरकतों को, अच्छी हरकतों को एक समाज के माध्यम तक पहुंचाने का काम हम करेंगे, वो जिम्मा हम उठाते हैं। आप इस नंबर पर जरूर अपने वीडियो शेयर कीजिए। जी हाँ, इस नंबर पे आप वीडियो जब शेयर करेंगे तो आप सोच लीजिए कि उसका एक वीडियो बनाए, एक ही वीडियो में वो आनी चाहिए जी, और आपका नाम और आपका नंबर भेजना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ये जब प्रतियोगिता पूरी हो जाएगी उसके बाद हम आपको एक उपहारजनक पुरस्कार भी देंगे। तो देखिए, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनबीसीएन के माध्यम से आपको उपहार पाने की, एक अच्छा भरा पूरा परिवार जो बेहतर वीडियोस बनाएगा, और उन लोगों को हम इनबीसीएन की तरफ से एक अच्छा उपहार भी देंगे, और आपको स्टूडियो में आने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन जिम्मेदारी जरूर, आप जिम्मेदारियों का जरूर ध्यान रखें, घर में रहें, स्वस्थ जरूर रहें। कोरोना की बात करते हैं इमरान, एक सचमुच ये चिंताजनक बात है, और हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े जो है आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं जी। अगर देश की बात की जाए तो 5000 के ऊपर आंकड़े चले गए हैं, 137 लोग जो है अब तक पूरे भारत वर्ष में कोरोना की वजह से मृत हो गए हैं, और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। ये आंकड़े अगर इसी तरह से बढ़ते रहे तो ये देश की स्थिति को बहुत गंभीर परिणाम में ले जा सकती है। जी हाँ, और कोरोना से डरना नहीं है, बिल्कुल सामने आके फेस करना है। और आपको एक अच्छा आंकड़ा भी एक बता दूं, एक खुशखबरी बता दूं, 386 लोग रिकवर हो चुके हैं, मतलब कोरोना को हराया जा सकता है। बस कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अभी तो जो सरकार ने हमारे लिए जो कर रही है, पूरी यंत्रणा काम कर रही है, आपको घर पे ही रहना है। अगर आपको लगता है या आपके परिवार में या किसी को कि मुझे आपको लगता है कि कुछ आपको संभावना हो सकती है, खांसी हो, बुखार हो, या आपको लगता है कि मुझे, मेरी बाहर की हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आप आगे आके बताइए। कोरोना ठीक हो सकता है मगर समय में इलाज हो जाए तो। आपने एक चीज बहुत अहम बात की कि आप इसे छुपाए नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, एक व्यक्ति जो अगर कभी कोरोना से पीड़ित है तो वो पूरे घर को, परिवार को और अपने संपर्क में आने वाले हर किसी को इसकी चपेट में ले सकता है। जी हाँ। तो इसीलिए ये बेहद जरूरी कदम उठाया जा सकता है कि जब भी आपको किसी भी ऐसे बाह्य लक्षण, जैसे कि सर्दी हो, खांसी हो, ड्राई कफ की, अगर हम ड्राई कफ जो होता है वो, और इसके वजह से आपको गले में कोई तकलीफ हो, और इसके साथ में अगर बुखार अगर आपको महसूस होता हो, तो ज़रूर तुरंत नज़दीकी आप हॉस्पिटल में जाएं, या मेयो नागपुर की अगर हम बात करें तो मेयो हॉस्पिटल है, मेडिकल हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूशंस है, टोल फ्री नंबर पर भी सभी के सोशल मीडिया के द्वारा ये नंबर आप तक पहुँचाए जा रहे हैं, इनबीसीएन के माध्यम से भी ये नंबर आप तक पहुँचाया जा रहा है, तुरंत अपने आप को जांच के लिए तुरंत लेके जाए। जी हाँ, यही एक उपाय है। बस आज आपने देखा पूरी दुनिया किस तरह से इस कोरोना जैसे भयंकर महामारी का सामना करना पड़ रहा है सबको। अमेरिका जैसा देश, एक जो देश है, एक हम जिसको बोलते हैं कि उसको पूरे देश की महा, पूरे विश्व की महाशक्ति जिसे कह सकते हैं, उस महाशक्ति ने भी
कुछ हद तक घटने टेक दिए हैं, बिल्कुल 3 लाख के ऊपर उनका आंकड़ा चले गया और डेली 1,000 के ऊपर मौत हो रही। पूरे विश्व की हम बात करें तो ये आंकड़ा लगातार निरंतर बढ़ता जा रहा है, 13 लाख पर ये जो है कोरोना से जो के रोगी जो है पूरे विश्व में 13 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना से ये ग्रसित हो गए हैं, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। जी हाँ, इसका फिलहाल तो पूरे दुनिया में एक ही इलाज माना जा रहा है, लॉकडाउन। जी हाँ, आप घर पे ही रहे, घर पे ही रहे। एक चीज और आने वाले समय में हमको देखनी पड़ेगी कि आज हम जितना अपने आप को सुरक्षित रखेंगे उतने जल्दी जो है हम एक अच्छी आसान सी जिंदगी जी पाएंगे, क्योंकि आज जितना ज्यादा लॉकडाउन रहेगा उससे देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के बाकी चीजों के ऊपर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। आपके घर में बच्चे हैं, हमारी जो एक जॉब सिस्टम होगा या बिजनेस सिस्टम होगा, हम लोग कुछ ना कुछ अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, इस लॉकडाउन को अगर आगे खींचा जाता है तो इसका बुरा असर हमारे आने वाले कल पर पड़ सकता है। अगर हमारा आने वाला कल हमें सुरक्षित करना है, हमारे बच्चों का एक सुनिश्चित भविष्य अगर हमें करना है, तो ये आज हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आज हमें इस कोरोना से सही ढंग से निपटना पड़ेगा, सही ढंग से लड़ाई इसकी लड़नी पड़ेगी। जी हाँ, आज नागपुर की बात कहें तो आज हमने पुलिस आयुक्त भूषण कुमार उपाध्याय से बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि कुछ दिन पहले आपने देखा कि आपने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि सोशल मीडिया में जो अफवाह आ रही है उससे बचे। बिल्कुल यही घटना आज अपने पुलिस कमिश्नर भूषण कुमार उपाध्याय ने की कि सोशल मीडिया में जो अवैध सवैध जो वायरल कर रहे हैं, अफवाहों का बाजार चला है, वह कहीं ना कहीं रोक आनी चाहिए। देखिए, ये भी फिर जिम्मेदारी की बात होती है कि आपके पास में सोशल मीडिया का रिमोट आपके पास में एंड्रॉयड मोबाइल्स है, iOS मोबाइल्स है, लेकिन क्या आपको फॉरवर्ड करना है, क्या नहीं फॉरवर्ड करना है, इसके लिए आपको अपनी विवेक बुद्धि का जरूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है बहुत भारी पड़ सकती है। आप समाज में अगर ऐसी घटनाओं को आप प्रसिद्धि देते हैं जो कि उपयुक्त नहीं है, या जिसका असर समाज पर बुरा पड़ सकता है, या जिससे घबराहट फैल सकती है, कोरोना के लीजिए या कोरोना के माध्यम से हम जाति भेद की भी अगर बात करें तो ये कभी उचित नहीं होगा। जी हाँ, प्रशासन पूरी तरह से अपनी तैयारी पर लगाया है, रेलवे प्रशासन ने भी आगे आके कई कोरोना से लड़ने के लिए कई ट्रेनों में वेंटिलेशन की एक सुविधा की वेंटिलेशन की व्यवस्था की है, और कई जगह पे कई जो बोगीज है बोगीज को भी टेम्पररी 40,000 वेंटिलेशन तैयार किए रेलवे ने। रेलवे की एक बहुत बड़ी सराहनीय एक कदम उठाया, एक रेलवे प्रशासन की ओर से जो सरकार को साथ देने के लिए जो पहल की गई वो अपने आप में एक बेहतरीन प्रयास हम कह सकते हैं। नागपुर की अगर हम बात करें तो नागपुर में भी हमने जो देखा कि नागपुर में नागपुर यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को भी इसके पीछे का उसको भी जो वार्ड्स बनाए जा रहे हैं उसमें जो क्वारंटाइन जिनको आइसोलेट करने के लिए उसके लिए उस बिल्डिंग का यूज किया जाने की संभावनाएं जो है व्यक्त की जा रही हैं। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नागपुर में भी जो है कोरोना ग्रस्त की संख्या जो है बढ़ रही है, जिन्हें आइसोलेट करने के लिए जो बताया जा रहा है उसकी संख्या बढ़ रही है। एक और आह्वान प्रशासन की ओर से किया गया था, जो लोग मरकज के लिए गए थे और जो लोग अभी तक ट्रेस आउट नहीं, उन्हें आह्वान किया गया था कि वो खुद होकर प्रशासन के सामने आ जाए, ताकि इस बीमारी को अगर उन्हें इसकी अगर कहीं ना कहीं किसी प्रमाण में अगर उनको वो आइडेंटिफाई हुआ है या कोरोना से वो ग्रसित है तो वो किसी और को ना लगे, इस वजह से प्रशासन की ओर से उनका आह्वान। कुछ हेल्पलाइन नंबर प्रशासन ने जारी किए थे, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करके प्रशासन की मदद कर सकते हैं, जो भी मरकज से आए थे या फिर किसी और की और भी कहीं जगह से, दिल्ली जैसे दिल्ली मुंबई पुणे से अगर किसी की आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और आपको लगता है कि कुछ लक्षण आप में पाए जाते हैं या कहीं पर भी आपके मन में संदेह है आपके ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर, तो ये आपकी एक जिम्मेदारीपूर्ण कदम होगा कि आप बाहर निकले और प्रशासन को इसका जानकारी दे, हॉस्पिटल में जाए, मेयर हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, मेडिकल हॉस्पिटल है, जहाँ पर आप जाकर अपने बारे में जानकारी जरूर दे सकते हैं। ये कदम सिर्फ आपकी सेहत के लिए नहीं, आपके परिवार और समाज के लिए भी एक उचित कदम जरूर माना जाएगा। बिल्कुल, आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति 30 दिन में 403 लोगों को संक्रमित कर सकता है। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है। अगर ये आंकड़ा इस वजह से बढ़ता है, एक व्यक्ति की गलती की वजह से, तो हम कहाँ तक अपने आप को माफ कर पाएंगे? ये प्रश्न हर उस व्यक्ति ने खुद को पूछना चाहिए जो व्यक्ति इस बीमारी को कहीं पर किसी भी रूप से अगर छुपाने की कोशिश करता है। तो एक बहुत बड़ी एक देश के साथ
धोखा वाली बात हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये हम कहेंगे कि ऐसी बिल्कुल गलती ना करें, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। देखिए जिंदगी रही तो बहुत कुछ एंजॉयमेंट हम लाइफ में जरूर कर पाएंगे, लेकिन आज हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने घर के अंदर रहना है। और हम बता दें कि हमारी सेहत के लिए, आपकी और हमारी सेहत के लिए प्रशासन के लोग आज भी रास्तों पर उतर कर काम कर रहे हैं। हमने रास्ते पर देखा कि कई पुलिस के लोग, कई प्रशासन के लोग, सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने घर से कटे हुए हैं ये लोग। बिल्कुल, और कई सामाजिक संस्थाएं भी यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, जो लोग हर नागरिकों के यहाँ खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, या फिर कच्चा अनाज दिया जा रहा है। आगे आके एक मानवता एक बहुत बड़ा धर्म दिख रहा है। वैसे इस शहर की बात की जाए तो नागपुर के सेंटर पॉइंट होटल ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए आ गया है। उन्होंने जितने भी मेयर मेडिकल में काम करने वाले जितने भी डॉक्टर स्टाफ हैं उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था की है। जी हाँ, जितना भी मेडिकल का स्टाफ है वो अपने घर पर जाना भी थोड़ा एक रिस्क फैक्टर अवॉइड कर रहे हैं। हमने कई सोशल मीडिया पे भी, दर्शकों ने भी देखे होंगे कि किस तरह से ये लोग अपने घर से भी कटे हुए हैं, ये सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा ही हम इसको कह सकते हैं। हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि जो अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे, हम अपने घर में हैं तो हम जितना अपने घर में रहेंगे, जितना अपने आप को आइसोलेट करेंगे, उतना ही हम इन लोगों को जल्द से जल्द उनके घर तक पहुंचाएंगे। तो हमारा इनविजन की टीम से की ओर से भी और पूरे प्रशासन और सबके तरफ से आपको आग्रह है, विनती है कि घर में रहें। और चलते चलते एक बात और, फिर हम आपको दोहरा देते कि आपको अपने जो चुलबुले वीडियोस है, आप क्वालिटी समय अपने परिवार के साथ में बिताइए, मस्ती कीजिए, ऐसे वीडियो आप हमारे साथ में शेयर कीजिए। नंबर यहाँ पर आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाया जाएगा और उस नंबर पर आप उन वीडियो को अपने नाम के साथ में शेयर जरूर कीजिए। अपना नंबर डालना ना भूले और इस में से हम कुछ वीडियो सिलेक्ट करेंगे जिनको इनबीसीएन के माध्यम से उपहार भी दिए जाएंगे। जी हाँ, फिर से एक बार नंबर आप नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है ये 9130005662। आप बने रहे हमारे साथ में इनबीसीएन न्यूज पर प्राइम टाइम के माध्यम से, और न्यूज के माध्यम से हम आपसे जुड़े रहेंगे। अपना ख्याल रखें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, परिवार का ध्यान रहे। घर में रहना इस वक्त ये सबसे बड़ी देश सेवा साबित हो सकती है। बने रहे इनबीसीएन न्यूज के साथ में। नमस्कार।